इस देश की संसद में 1952 में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए। गांधी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि यही होगी। तो गांधी जी के सबसे परम प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पर प्रस्ताव आना चाहिए। तो संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। कुंवारी समाजी थे और हर बार सोनीपत से चुनाव लड़के जीते वो भारत की संसद में। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ और बहुत भयंकर वोटों से जीत के आए थे। वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। तो महावीर त्यागी ने कहा ठीक है, मैं मेरे नाम से प्रस्ताव लाने की तैयारी करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव लाया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद यह तय किया गया कि वोट किया जाए इस पर। तो जब वोट करने का दिन आया तो नेहरू जी ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है, आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो कांग्रेसी नेता गोरक्षा के समर्थन में संसद में भाषण करे और गोरक्षा के समर्थन में वोट डालने को तैयार हुए, नेहरू जी का ये वाक्य सुनते ही सब पलट गए। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, नेहरू जी अगर छोड़ दें पद तो फिर क्या होगा? सरदार पटेल की तब तक स्वर्गवास हो चुका था 1950 में, तो नेहरू जी अकेले नेता रह गए थे कांग्रेस में। कांग्रेसियों को ऐसा लगता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, भारत है तो नेहरू है, नेहरू है तो भारत है, और ये नारे बहुत बार लगाए गए इस देश में। कई बार ये भी कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। शायद इनकी स्वभाव ऐसी है कांग्रेसियों की। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इस्तीफा दिया तो हम तो फिर गए, तो इतना हंगामा किया संसद में कि वोट ही नहीं हुआ, और अगले दिन महावीर त्यागी को मजबूर कर दिया और वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते समय भाषण किया और वो बहुत ही जोरदार भाषण है, वो भी लोकसभा के रिकॉर्ड्स में है। उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य हैं। गांधी जी ने वायदा किया था कि आजादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गोरक्षा का बनेगा। अब आप ही उससे हट रहे हैं तो हम कैसे माने कि आप गांधी जी के शिष्य हैं? इससे भी आगे कहा कि नेहरू जी, मैं आपको आपके पुराने भाषणों की याद दिलाता हूं जो आपने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिए हैं, और हर जगह आपने एक ही बात कही है कि मुझे किसी कत्ल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रोह करती है, ये कत्ल खाने तत्काल बंद हो, ये आपने कितनी बार कहा है। लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हत्या रोकने का तो आप पीछे हट रहे। नेहरू जी ने उनके इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, बात आई गई हो गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद सन 1956 में नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्री, और ये भी रिकॉर्ड में है। अब नेहरू जी का कौन सा स्वरूप सही था और कौन सा गलत, ये अभी फैसला करने का समय मैं मानता हूं कि आ गया है। जब वो गांधी जी के साथ मंच पे खड़े होकर भाषण करते हैं तो कहते हैं मैं कत्ल खाने के सामने से गुजरता हूं तो आत्मा चीत्कार करती है और मैं चाहता हूं कि सारे कत्ल खाने बंद हो, और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि गाय का कत्ल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। उस पत्र का सबसे अंतिम वाक्य बहुत खतरनाक है। उसमें नेहरू जी लिख रहे हैं कि मान लो हमने गाय की हत्या बंद करा दी और गोरक्षा होने लगी
तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी कि हम भारत को 18वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं। अर्थात नेहरू जी को यह लगता था कि गाय का कत्ल होने से देश 21वीं शताब्दी की ओर जाएगा और गो रक्षा होने से 18वीं शताब्दी में चला जाएगा। यह पत्र पढ़कर मैं बहुत विचलित हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है रवि राय, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी मदद से यह पत्र मुझे मिला पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से। अब मैं तो कोई एमपी नहीं हूं, पार्लियामेंट में जा नहीं सकता, लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकता, लेकिन एक दिन रवि राय जी को मैंने कहा कि आप निकलवा दीजिए, मुझे जरा पढ़ना है, ये इसकी फोटोकॉपी भी रखनी है, कभी भविष्य में काम आए, और वो फाइल भी देखनी है जिसपे नेहरू जी का नोट है। तो उन्होंने बेचारे ने बड़ी मदद की और ये सब निकलवा दिया। ये पढ़ के मैं बहुत परेशान हूं और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नेहरू जी के जीवन में वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो गोहत्या को चालू रखना चाहते थे। पत्र में वो लिख रहा है कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, तो क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा ही एक बड़ा प्रश्न था या इसके पीछे भी कुछ और था? मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, वो गलत भी हो सकता है, कि व्यक्ति अपने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी जड़ उसके निजी जीवन में जरूर होती है। वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, या कोई संत हो, महंत हो, साधु हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या साधारण किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सार्वजनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो उसकी जड़ें उसके निजी जीवन में जरूर होती हैं। पब्लिक लाइफ में व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइवेट लाइफ से निकलता है। माने नेहरू जी की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो गाय की हत्या के लिए वो इतने परेशान, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। उनके निजी जीवन के बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए, कम से कम 500 से ज्यादा अभी मेरे पास है। तो पता चला कि नेहरू जी स्वयं गाय का मांस खाते थे। इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं, और यह भी मालूम था कि चेन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पीते हैं, और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, लेकिन यह पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। और उनके गाय के मांस के भोजन को बनाकर तैयार करके लंच के रूप में भिजवाने का काम दिल्ली का वो होटल करता रहा जहां अभी थोड़े दिन पहले जॉर्ज बुश रुका। और नेहरू जी का एक लंच का खर्चा उस जमाने में 13,000 रुपए होता था, जिस पर भारत के एक समाजवादी नेता ने बड़ी कड़क टिप्पणी की थी, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाषण दिया था कि नेहरू, तुम्हारा एक समय का भोजन का खर्च 13,000 रुपए है, और भारत के 14 करोड़ लोगों को 2 समय खाने को रोटी नहीं, तुमको शर्म नहीं आती? उस जमाने में संसद में लोहिया जी एक व्यक्ति थे जो नेहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे, बाकी तो सब नेहरू के आगे पीछे दुम हिलाके घूमते रहते थे। तो जब ये दस्तावेज मिल गए तो मैं समझ गया कि नेहरू जी के मन में गाय के प्रति जो प्रेम था वो दिखावे का था, गांधी जी को प्रभावित करने के लिए था और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए था। एक बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो कोई कष्ट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद तो कोई नहीं उनके सामने चुनौती देने वाला, तो उनका असली रूप पूरे देश के सामने आया। और ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये सब भारत की लोकसभा के रिकॉर्ड्स पर मौजूद हैं, कभी इतिहास लिखा जाए तो ये सब उसमें आ जाए। तो हम समझ सकते हैं कि नेहरू जी से कोई अपेक्षा नहीं कि वो गाय की रक्षा करने के लिए कुछ करें। फिर मैंने सोचा नेहरू जी के बाद वालों को क्या हुआ, उनका तो समझ में आ गया, चलो ठीक, बाद में इतने प्रधानमंत्री आए उनका क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया गोरक्षा का, क्योंकि गोरक्षा का कानून बनाने की बात
1947 से चल रही है, जिस दिन आजादी मिली उस दिन से चल रही है, और अब सन 2006 आ चुका है, लगभग 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो बाद के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया, तो वो रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया तो पता चला कि एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और एक बार श्री मुरारजी देसाई ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। मुरारजी भाई ने जब ये कानून बनाने का तय किया तब तक देर हो गया और उनकी सरकार गिर गई। या मैं सोचूं दूसरे तरीके से कि उनकी सरकार गिरा दी गई है, क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो तर्क था वो हमारे गले आज तक नहीं उतरता। गंभीर कारण कुछ और था, और उसमें से एक गंभीर कारण है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मुरारजी देसाई की सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया था, अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगा दिया था, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से भगाया था कोका कोला को, नोटिस दे दिया कोका कोला को। मुरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने नोटिस दे दिया कि देखो 3 दिन में भारत छोड़ दो, नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। और ये सिर्फ कोका कोला के लिए ही नहीं था, हॉलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी इस देश में है जिसका नाम है यूनिलीवर, जिसने नाम बदल के अभी धंधा शुरू किया हिंदुस्तान लीवर, इसको भी नोटिस था कि आप अगर अपनी शेयर इक्विटी कम नहीं करते तो आपका भी धंधा बंद कराएंगे। और अंत में वो नोटिस सभी विदेशी कंपनियों को था जिनको ये कहा गया था कि आप भारत में अपनी पूंजी को कम कर दीजिए, नहीं तो आप सबको हम भारत से भगाएंगे। ये एक बड़ा कारण था मुरारजी भाई की सरकार गिराने में। और दूसरा कारण था, मुरारजी भाई ने एक घोषणा की थी कि जैसे गुजरात को शराब मुक्त बना दिया वैसे पूरे देश को बना देंगे। और आप जानते हैं कि गुजरात आज तक शराब मुक्त प्रदेश है। यह अलग बात है कि चोरी छुपे वहां मिल जाती है, लेकिन कानूनन रूप से गुजरात में ना शराब बिक सकती है, ना कोई पी सकता है, ना कोई बना सकता है। ये मुरारजी देसाई का चमत्कार है, आज तक है। तो मुरारजी भाई ने कहा कि जैसा गुजरात में किया वो देश में कर देंगे, तो शराब वाले सब बौखलाए हुए थे उनसे। और मुरारजी भाई ने एक तीसरा काम और किया था कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं गांधी जी का सपना पूरा करूंगा, गो हत्या पर बंदी लगेगी और सारे देश में लगेगी, और जो गौ हत्या करेंगे उनको सजा कम से कम फांसी की होगी। तो इस पर ये कसाई लोग सब भिदक गए। तो ये तीनों लॉबी, शराब बेचने वालों की लॉबी, विदेशी कंपनियों की, और ये कसाई लोगों की, ये तीनों सरकार के खिलाफ थे, और इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा होगा जिसका दुष्परिणाम मुरारजी भाई की सरकार चली गई। एक बार ऐसा प्रयास शास्त्री जी ने भी किया था, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य क्या हुआ कि शास्त्री जी ये प्रयास को शुरू करके ताशकंद गए समझौता करने पाकिस्तान से जनवरी 1966 में, और वहां से जीवित वापस नहीं लौटे। कानून बनाने के लिए जो पूर्ण कोशिश की थी वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद इस देश में आखिरी कोई प्रधानमंत्री था जिसने गोरक्षा का कानून बनाने का प्रयास किया, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सवेरे सवेरे लोकसभा में एक विधेयक लाया और शाम को उसे वापस ले लिया। क्यों? तो मुरारजी देसाई, सॉरी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने वाली दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक का नाम तेलुगु देशम और दूसरी तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने लोकसभा में कहा कि अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया लोकसभा में तो बाहर आते ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, गाय की हत्या बंद हो जाने दीजिए, बहुत समय से ये चल रहा है मामला। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलते हैं। उसने कहा सो व्हाट। और दूसरी तरफ ये जो तृणमूल कांग्रेस जैसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य
चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया कि अगर सरकार ने गोहत्या का विधेयक पारित कराया तो कल समर्थन हम वापस लेते। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सवेरे लाया वो शाम को बिना बहस के वापस ले लिया। सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था, गो हत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना। मैंने अटल जी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर, तो गारंटी की बात थी कि अगली बार आप 2/3 मेजोरिटी से इस देश में चुनकर आते। क्योंकि गो हत्या का विषय भारत के 80 करोड़ लोगों का, 85 करोड़ लोगों का हृदय का मामला है, हृदय से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन वो इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गो हत्या तो खैर आज तक हो ही रही है। तो ये आजादी के बाद की कहानी है, इतनी बार कोशिश हुई लेकिन संसद में आज तक कानून नहीं बना। कारण क्या है इसके पीछे, इस पर आजकल मैं थोड़ा खोज कर रहा हूं, क्यों संसद में कानून नहीं बनता है, क्यों कुछ सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं जब भी ये विषय आता है बहस के लिए। हमारे भारत में राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं, ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाय का मांस बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कई नेता हैं ऐसे। और इस हिंदुस्तान में 3,600 जो कत्ल खाने चल रहे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 50-60% कत्ल खाने राजनीतिक नेताओं के हैं जिनकी पूंजी से ये काम चल रहा है। तो जब भी गोहत्या का विषय आता है संसद में चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गोहत्या रुकनी नहीं चाहिए, और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे एक कुतर्क करते हैं, महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं वो बहुत कुतर्क करते हैं, उनमें से एक नेता तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी उनको रखेंगे कहां। ये बयान श्री शरद पवार ने दिया और मुंबई में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सौभाग्य की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया। अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी इनको रखेंगे कहां, आप क्यों परेशान है, आपके घर में रखने नहीं आ रहे हम, इतना तो पक्का है। और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो यही तर्क मनुष्यों पर भी लागू हो जाता है, सीधे सीधे से लागू होता है कि मनुष्यों को क्यों बचाया जाए, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसका माने मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए कत्ल करवाइए इनका। तो उन्होंने दूसरी बात कही, चारा कहां से लाएंगे, चारा कहां से लाएंगे। तो मैंने कहा भगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है, आप क्यों परेशान है उसके लिए, भगवान की व्यवस्था में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। भगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है, जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास हैं, 1400 किस्म की फसलें भारत में होती हैं पीक, गेहूं, चावल, ज्वारी, तुअर, उड़द, मूंग आदि आदि। हर एक फसल के तीन हिस्से हैं, हर एक पीक के तीन हिस्से हैं, हर एक पौधे के तीन हिस्से हैं, ऊपर का एक हिस्सा है वो मनुष्यों के लिए है, पक्षियों के लिए है, बीज का हिस्सा है वो सब पशुओं के लिए है, और अंत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो धरती माता के लिए है। प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें आप क्यों परेशान है कि चारा कहां से आएगा। हिंदुस्तान में 77 करोड़ किसान खेती करते हैं और 77 करोड़ किसान में लगभग 7 करोड़ किसान ज्वारी पैदा करते हैं। ज्वारी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मनुष्य के काम आता है। ज्वारी का पूरा पेड़ अगर आप गिने
तो उसका मुश्किल से 10% हिस्सा जो ऊपर का होता है वो मनुष्य के काम का है, बाकी का 70-75% हिस्सा वो गाय के काम का है, भैंस के काम का है, पशु के काम का है। तो चारे की कमी कहां से आई? गेहूं की फसल देख लो, गेहूं की फसल का मुश्किल से 10% हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी 70-80% गाय के भैंस के काम का है। तो चारे की समस्या कहां से आई? गेहूं पैदा हो रहा है, जवारी पैदा हो रही। चावल की फसल का बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी जानवरों के काम का है। तो चारे की कहां कमी है इस देश में? आप क्यों परेशान है? फिर उनका तीसरा कुतर्क, गाय बूढ़ी हो जाती है तो क्यों पालना? तो मैंने कहा आई भी बूढ़ी हो जाती है, उसको क्यों पालना? कहते आई अलग है, गाय अलग है। मैंने कहा मेरे लिए तो आई और गाय दोनों एक ही जैसी, क्योंकि बचपन से मैंने यही सुना है गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तो मेरे लिए तो आई और गाय दोनों सरीख ही है। तो गाय बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए, तो आई भी बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए। फिर आखिरी कुतर्क कि दूध नहीं देती है, फोगट में क्यों खिलाने का उसको? तो मैंने कहा दूध तो आई भी नहीं देती है थोड़े दिन के बाद। हमारी आई हमको जास्ती से जास्ती 1 साल दूध पिलाती है, और ये गौ माता तो जीवन पर्यंत दूध पिलाती है, इसका स्थान तो आई से भी ऊंचा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपसे बात करना बेकार है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बात करना बेकार लगता है। जो आदमी को इतना नहीं समझता कि गाय को भारत में घास चारे की कमी नहीं है, और गाय बूढ़ी हो गई तो बेच देनी चाहिए, कत्ल हो जाना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक मानसिकता है। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, क्योंकि वो खुलकर कहते थे कि हम तो गाय काटते हैं हमारे भोजन के लिए। ये तो काले अंग्रेज उनसे ज्यादा खतरनाक, जो भारत और भारतीयता का लबादा ओढ़े हुए हैं और दिमाग में पूरी अंग्रेजियत भरी हुई है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो कुतर्क हैं, ये सिर्फ शरद पवार का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वो प्रतीक व्यक्ति है, वरना ये कुतर्क हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कुतर्क बन चुके, और खासकर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको थोड़ी अंग्रेजियत की शिक्षा मिली है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, उनके भी ये कुतर्क बन चुके हैं। शरद पवार तो प्रतीक मात्र है, वहां कोई और भी हो सकता है जो इसी तरह की बात करे। ये कुतर्क आए कहां से, किसने डाले हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, कौन जिम्मेदार है इनके लिए, ये भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो पता चला कि ये कुतर्क भारत से नहीं, पश्चिम से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं। उनके फ्रेज हैं, उनके ईडियम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्हीं कुतर्कों के आधार पर भारत में सरकार चलाने वाले लोग और सरकार चलाने के लिए मदद करने वाले अधिकारी दोनों मिलकर गाय की हत्या करवाने में लगे हुए हैं।